तो हेलो, नमस्कार बच्चों एवं तो साथियों। चलिए हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डिसिमल्स। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले इंट्रो बताएंगे। इंट्रो आपका थोड़ा सा है जो बता रहे हैं, उसके बाद भी कुछ बचेगा इंट्रो तो वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितना आता है और जो आता है उसको बताते हैं। देखिए डेसिमल क्या है, पहली बात हम डेसिमल यानी डेसिमल को क्या कहते हैं, डेसिमल है क्या, डेसिमल का उपयोग क्या होता है, ये किस किस रूप में होता है। देखिए इनके कई पार्ट डिवाइड किए गए हैं कि अनलाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल, या फिर डेसिमल के टाइप्स ऑफ डेसिमल है इसमें भी कितने आते हैं, तो ये सभी बताए जाएंगे आपको। बस क्या करिए, निरंतर वीडियो जो जाएगा उसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल को हम दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव। तो चाहिए देखते हैं क्या है। द नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल्स। देखिए जब किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस यानी उसको लिखते हैं उस प्रकार से दशमलव में, हम उसी को डेसिमल कहते हैं। अब आप जान चुके हैं दशमलव यानी पॉइंट जिसे आप कहते हैं, तो वही दशमलव है। अब यहाँ पर है ईच ऑफ द नंबर, एग्जाम्पल दिया गया है 6.8, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल देखिए, कोई और दे सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 19 नहीं है, 18 नहीं, 18.8 ले लीजिए, 19.96789 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही संख्याएं रहेंगी। ठीक है, ये एक तरीका है, बस वही बता दे रहे हैं। जैसे 16.73 है, 7.364 है, अदरवाइज 0000 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0.053 है, इसी से भी हो जाएंगे। ये क्या है आपके डेसिमल। अब बात आती है कि सर इसको पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं एक आपका होता है होल नंबर और एक होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हम उसे कह सकते हैं जो दशमलव के बाद आए, यानी जो पॉइंट के बाद संख्या लिखी जा रही है। जैसे सपोज आपका ये यहाँ अगर मैं लिख रहा हूँ 3.69, ठीक है, यही देख लीजिए ये क्या है आपका। इसको ब्लैक वाले को हम मान लेंगे काला, यानी 3 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ से ब्लैक ख़त्म हो रहा है इसको पॉइंट मान लेंगे, अगेन 4 मान लेंगे, 3.4 हो गया। अब ये जो 3 है ये मेरा, इसके पहले यानी इसके इधर अगर आप ऐसे में देख रहे हैं तो इसके इस तरफ क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जो मेरा है, लेफ्ट साइड वो क्या होगा, पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है, मतलब सॉरी होल नंबर होगा, पार्ट ऑफ होल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, होल नंबर होगा। और जो यहाँ पर दशमलव लगा है, दशमलव के इधर वाली संख्या क्या होगी, डेसिमल नंबर। समझ में आ गया होगा, चलिए हम इधर भी समझा देंगे। तो यहाँ पर एक होल नंबर पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। तो इसमें पहले चेक करते हैं। देखिए जैसे 3.896, ये जो 0.896 है ये डेसिमल पार्ट है और ये मेरा होल पार्ट है, ये मेरा होल पार्ट है और ये मेरा डेसिमल पार्ट है। ठीक है, अब बात आती है आपको समझाने की यहाँ, इतना जल्दी तो सर नॉर्मल चीज़ है क्या? बहुत नहीं भैया, नॉर्मल तो नहीं है, इसमें देखिए तरीके से चलना होता है। अगर आप बहुत एकदम शुरू में डेसिमल के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो उसका यहाँ आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है ये। ठीक है, और पहाड़ एक ऐसा है जिसमें भूसे की तो भूसा जानते हैं ना, वैसे अगर आप घुसते जाएंगे तो अच्छे से घुसा ही जाएगा। एक पत्थर वाला नहीं है कि ऐसे थोड़ा टकरा गए तो आया, नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। होल पार्ट में क्या होता है कि अगर कोई संख्या है, 3-4 संख्या है, जैसे 384 है तो 384 कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं 384 को। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव के बाद यानी डेसिमल के जो राइट साइड संख्याएं लिखी हुई हैं उसको आप ऐसे 896 नहीं बोल सकते, इसको 896 अलग अलग बोलना पड़ेगा, या 8 9 6 बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोला जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसको भी 896 पढ़ लेंगे, ये गलत तरीका है, इसलिए वो पॉइंट दिया है। तो ये हमेशा समझदारी के साथ चलिएगा, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को एक्यूरेट पढ़ाइएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको एक जैसे पॉइंट दिया है तो पॉइंट के बाद ही आप समझ जाइएगा कि हाँ ये तरीका सही है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं आएंगी हम वो एक एक पढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा डेसिमल एक बैरियर का काम करता है, जो हमें क्या करता है, होल नंबर को अलग दिखाता है कि हाँ भैया इधर वाले जो लेफ्ट साइड है वो होल नंबर है और अगेन जो पॉइंट के राइट साइड है वो आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। दी सेपरेट आर बाई ए डॉट, हमने जो बता दिया है कि एक डॉट से
सेपरेट किया जाता है, जिसे हम दशमलव कहते हैं, ठीक है, दशमलव नंबर कार्ड द डेसिमल पॉइंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो डॉट रहता है इसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द डेसिमल पॉइंट इज द होल नंबर। अभी हमने बताया कि जो ये क्या है आपके लेफ्ट साइड है, अगर लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा आपका होल नंबर होगा, जैसा अभी हमने दर्शाया है, तो ये होल नंबर होगा और जो दशमलव के बाद है वो डेसिमल पार्ट होगा। इतनी पार्ट इतनी बात क्लियर हो गई, ये होल पार्ट ये डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो वही कह रहा है, द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज द होल नंबर पार्ट एंड दैट ऑन इट्स राइट साइड इज द डेसिमल पार्ट। और जो दशमलव जो पॉइंट है आपका, जिसे हम डॉट कहे हैं, उसके राइट साइड वाला पार्ट क्या होगा, हमारा डेसिमल पार्ट, ठीक है। चलिए एग्जांपल में जैसा कुछ है, इन 73.62 वी हैव होल नंबर पार्ट। देखिए होल नंबर पार्ट आपका 73 होगा, क्योंकि हमारे पास 73 क्या है, लेफ्ट साइड है पॉइंट के, और ये 6 और 2 जो है वो मेरा क्या है, राइट साइड है पॉइंट के, ठीक है, एंड डेसिमल पार्ट 0.62, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं डेसिमल प्लेसेस में, द नंबर ऑफ डिजिट कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि दशमलव मतलब जो डेसिमल प्लेसेस है ये सर किस तरीके से होता है। तो देखिए दशमलव प्लेसेस में तरीका वही रहेगा, सब कुछ कुछ नहीं रहेगा। देखिए क्या है, जैसे आपका ये संख्याएं हैं, सपोज ये ब्लैक वाला जो है, दिख तो रहा होगा ना अच्छे से मार्कर, ये जो ब्लैक वाली पार्ट है इसे हम क्या मान लेंगे, होल पार्ट है। क्या है भैया, होल पार्ट। होल पार्ट इन द सेंस 0 से शुरू होता है होल नंबर, आप इतना जानते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 जो भी आएगा सभी होल नंबर में आएंगे। और जो दशमलव, अब यहाँ पर जो इसको सेपरेट कर रहा है ये ब्लैक एंड वाइट का जो पॉइंट है, इसे आप डॉट भी मान सकते हैं, तो ये जो पॉइंट अलग सेपरेट कर रहा है वाइट की तरफ जो जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट हो जाएगा। अब ये जो डेसिमल पार्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ सकते हैं, 3.896 है, तो 896 आपका डेसिमल पार्ट और 3 जो है होल पार्ट है। इसमें समझना क्या है आपको कि सर इसमें बताइए कि प्लेसेस क्या है दशमलव के बाद, जो डेसिमल प्लेसेस क्या है। सपोज ये देखिए 6.8 है ना, तो दशमलव के बाद जो 8 है वो 10 नहीं पढ़ा जाएगा, या फिर 1 नहीं पढ़ा जाएगा, जिसे हम वंस कहते हैं, टेंस कहते हैं, 100,000, उसके बाद अगेन 100,000, जितना भी आएगा 10,000 के बाद 100,000 आता है, लैख 10 लैख, ठीक है, इस तरीके से आएगा, तो वो तरीका नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6.8, तो इसको हम टेंथ कहेंगे, क्या कहेंगे, टेंथ, सर TH TEN, टेंथ ऐसे हो जाएगा आपका, TEN TH S हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका, जैसे अगर आप लिखना चाहेंगे 6.8 को, तो 6.8 अगर दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 लिखेंगे, तो इसका ये जो जब बटे, जब तक देखिए कोई चीज़ अगर बाई पॉइंट, इसको क्या कह सकते हैं, और बटे में कह लीजिए या फिर बाई कह लीजिए, और कुछ कहते हैं हाँ अपान भी कोई लोग कहते हैं, ये 68/10 कहते हैं ना, तो ये जो अपान में लग रहा है, 10 लग रहा है, 100 लग रहा है। अच्छा हाँ, ये बात आती है कि अब तो ये समझ में आ गया कि दशमलव की एक बात है तो वो टेंथ से हो गया, चलिए सर ये तो बात क्लियर हुई, लेकिन सर अगर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो भैया कुछ नहीं, हम तो जानते हैं ना 100 होता है। देखिए थोड़ा सा यही बता देते हैं, जैसे यहाँ पर दिख तो रहा होगा ना, अच्छा इसी को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया ये टेंथ था, लेकिन ये अगर ये 16.73 है, तो इसको कैसे हम नंबर में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दशमलव को हटाएंगे, 73 अपान में 100 लिख सकते हैं। क्यों अपान में 100 या बाई 100 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद ये 2 संख्या है, तो 2 संख्याओं के बाद बटे में 100 लिख सकते हैं। तो ये अब कौन सा प्लेसेस होगा, ये 100th प्लेसेस हो जाएगा, अभी 10th था और अब इसके बाद 100th। अगर ये 3 0 वाला है तो ये कितना हो जाएगा, 1000th, ठीक है। तो इस तरीके से लगेगा वही चीज़, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि प्लेसेस की वैल्यू क्या है। अगर 1 है तो 10th, डबल है मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 100th, और दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 1000th, 4 है तो 10,000, लैख लैख ऐसे लगते जाएंगे आपके, हो जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका था, तो यहाँ पर लिखा है जैसे एग्जांपल में क्या दिया है आपका, 5.74। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि कितने दशमलव लग रहे हैं, तो हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें कितने हैं भैया, 2 दशमलव प्लेसेस हैं, और यहाँ पर कितना है, 8.536, हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 3 दशमलव, अगर 4 रहेगा तो 4 दशमलव, लेकिन कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको नंबर सिस्टम में, तो आप उसको समझ चुके होंगे। तो मुझे लग रहा है
जो मैंने अभी अभी बताया है आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने समझ ही लिया होगा। तो लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक बधाई दी जाती है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आपका जो ग्रोथ हो वो काफ़ी अच्छे से हो, आप बड़े से बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। क्लास 7 के विद्यार्थी हैं तो इसमें हाईएस्ट नंबर स्कोरिंग कर सकें। अगर कोई साथी मेरा देख रहा है तो उसके लिए भी भाई बहुत सारी बधाइयाँ हैं। ठीक है, तो मैं यही इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू।